हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि चेस कैसे खेलते हैं। ये मैंने मेरे घर पर बनाया है और ये 30-30 सेंटीमीटर का है और इसके जो ये बॉक्स है ये 3 सेंटीमीटर के ये सारे बॉक्स है। और ये जो है ये मेरे पास ऑलरेडी थी तो इसे मैं बनाती हूँ। इसमें टोटल 64 बॉक्सेस है और ब्लैक 32 एंड वाइट 32। और अब हम इनको जमाते हैं। ये है राजा, तो राजा अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक पर ही बैठेगा। और ये है हमारा वजीर, वजीर को इंग्लिश में क्वीन भी बोलते हैं। और ये है हमारे दो ऊँट, ऊँट को हम बिशप भी बोलते हैं। ये है हमारे दो घोड़े जिसे हम नाइट बोलते हैं। और ये है हमारे दो हाथी जिसे हम रॉक भी बोलते हैं। प्यादे होते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में पॉन्ड भी बोलते हैं, पॉन्ड। तो ऐसे आपको जमाना है। अब हम सेम प्रोसेस, जैसे हमने इधर का जमाया अब हम उधर का भी जमाएंगे। ये हमारी चेस पूरी तरह से जम चुकी है और अब ये खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे कितनी चाल चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ये आगे खड़े हुए प्यादे। तो प्यादा हमेशा शुरुआत में दो कदम चलता है और खिलाड़ी अपने कैसे भी चल सकते हैं, दो कदम भी चल सकते हैं और एक कदम भी ले सकते हैं। और प्यादा एक अखबार आगे बढ़ने के बाद, मतलब एक बॉक्स आगे बढ़ने के बाद कभी भी पीछे नहीं होता। और प्यादा हमेशा सीधा चलता है और मारता हमेशा टेढ़ा है। अगर हमारा प्यादा यहाँ पर है और सामने वाले का प्यादा यहाँ पर है तो अगर आपकी चांस है तो आप इसे यहाँ से बाहर कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पर है, अब आपकी जो ये जो प्यादा है अब ये कहीं पर भी पड़ नहीं सकता, क्योंकि अब ये इसको सामने से अब ये जो है इसे सामने से ऐसे मार नहीं सकता, मतलब इसे बाहर नहीं कर सकता है, इसे कैप्चर नहीं कर सकता है सीधा। ये हमेशा टेढ़ा ही कैप्चर करेगा इसको। तो अब बात करते हैं हम, तो हाथी हमेशा सीधा चलता है और ऐसा चलता है, सीधा चलता है और ऐसे स्लीपी हॉरिजॉन्टली चलता है और वर्टिकली चलता है। अगर सामने वाले का प्यादा यहाँ पर है तो यह हाथी इसको मार देगा। अगर सामने वाले का प्यादा यहाँ पर है तो हाथी इसे इस तरह से मार देगा। अब हम बात करते हैं हमारे घोड़े। तो घोड़ा हमेशा एल 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 बनाता है चलने में। तो क्या करता है घोड़ा, 1, 2 and half ऐसा करता है घोड़े के। हमेशा आगे से गिनते हैं हम 1, 2 और फिर राइट या लेफ्ट, तो ये हमारा एल बन जाता है 1, 2 और ये हाफ, ऐसा चलता है घोड़ा एल बन जाता है। अगर हमारा घोड़ा यहाँ पर है और सामने वाले का प्यादा यहाँ पर है तो हमारा घोड़ा 1, 2 and half से इसको बाहर कर देगा। अगर हमारा इसका प्यादा यहाँ पर है और हमारा घोड़ा यहाँ पर है तो घोड़ा पीछे पीछे चलते हुए इसको मार देगा, इस तरह से मारेगा 1, 2 and half, इस तरह से इसको बाहर कर देगा। अब हम बात करते हैं हमारे ऊँट की। तो ऊँट हमेशा टेढ़ा चलता है। सपोज अगर सामने वाले का प्यादा यहाँ पर है तो हमारा ऊँट सीधा इस प्यादे को मार देगा। अगर ये जो प्यादा है अगर ये यहाँ पर रखा हुआ है तो भी ऊँट इसको मार देगा। अगर उसका प्यादा यहाँ पर है तो ऊँट इसको मार देगा, मतलब ऊँट हमेशा टेढ़ा चलता है। और अब बात करते हैं हमारा वजीर। वजीर हाथी और ऊँट दोनों की चाल चलता है। जैसे सपोज अगर ये प्यादा यहाँ पर रखा हुआ है तो ये इसे सीधा मार देगा। अगर ये प्यादा यहाँ पर रखा हुआ है तो ये इसे ऐसा मार देगा। अगर ये प्यादा ऐसा वर्टिकल लाइन में है तो भी ये इसको मार देगा।
हॉरिजॉन्टली है। यह एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे राजा जीत सकता है, यानी कि हम वजीर अगर हमारा है तो हम इस खेल को जीत सकते हैं। अगर सिर्फ राजा और वजीर ही बचे हैं तो हमें बहुत सावधानी के साथ इस वजीर से सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि वजीर के लिए ये एक तरह का अलाउंडर है, ये सबको मार सकता है, ये टेढ़ा भी मार सकता है, ऊँट की चाल भी चल सकता है। और अब बात करते हैं हमारे राजा की, तो राजा हमेशा एक कदम चलता है। अगर राजा इस ब्लॉक में रखा हुआ है तो ये उसके हर साइड वाले ब्लॉक में चलेगा, जैसे कि ये सीधा भी चल सकता है, यहाँ पर भी टेढ़ा भी चल सकता है, एक कदम ही टेढ़ा चल सकता है, एक कदम हॉरिजॉन्टली, एक कदम वर्टिकली, एक कदम इधर, वो मतलब यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर 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 चल देगा, मतलब राजा के सामने वाले ब्लॉक में राजा चल सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, जिससे कि आप, अगर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ऐसा हर बार ऐसा नहीं होगा, अगर आपको ये ऐसे चांस मिलते हैं तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको पहले चांस मिलता है तो हम ये वाला चलते हैं, अगर उसने भी यही वाला चला है तो अब हम हमारे ऊँट को, यानी कि हमारे बिशप को यहाँ पर ला के रख देंगे। अब वो कुछ भी रैंडम मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर चलते हैं। अब मैं हमारे वजीर को यहाँ पर ला के रख देंगे। तो दोस्तों ये हमारे चेक एंड मेट की कंडीशन आ गई है, तो अब वो अगली बारी में अपने घोड़े को यहाँ पर ले लेगा, ये सोचते हुए कि वो यहाँ से अपने वजीर और यहाँ से अपने प्यादे को भी मार सकता है। लेकिन हमें इधर ध्यान नहीं देना है, हमें इसको सीधा वजीर से इस प्यादे को मार देना है। और अभी ये हमारी चेक एंड मेट की हो गई है, मतलब ये वाइट का चेक मेट हो चुका है। अगर ये राजा हमारे वजीर को मारता भी है तो भी हमारा ऊँट सीधा राजा को मार देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।